गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। पहले आप इनको खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं इनको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी दैट ही डैश अ हाउस हैज़ हैव या हैड। क्या आएगी इसमें? आप सोच रहे होंगे कि ही सिंगुलर दिया हुआ है तो हैज़ भर दें। क्या भर दें? हैज़ भर दें, जो कि आपका गलत होगा। इसमें आपका आएगा हैव। क्या आएगा? हैव। अब आपका ये हैव क्यों आएगा वो समझ लो आप, कि ऐसे सेंटेंस जिसमें नेसेसरी शब्द दिया हो, रिक्वायर दिया हो, एडवाइस दिया हो, ऑर्डर दिया हो, या एडवाइस दिया हो, या नीड दिया हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हमेशा प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, है ना। ये कोई टेंस नहीं होता, ये मूड होता है, और इसमें स्पीकर की डिजायर को या इंटेंशन को शो किया जाता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस दिया हुआ है, इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरत है कि वह एक घर, उसके पास एक घर हो, उसके पास एक घर हो, या वह एक घर रखे, है ना। तो रखता है, रखती है, या रखता था, रखती थी, नहीं आ रहा है इसमें, तो आप यहाँ पर हैज़ का प्रयोग भी नहीं करेंगे, हेड का प्रयोग भी नहीं करेंगे। आपका आएगा यहाँ पर वर्ब की हमेशा हमेशा और हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इट इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत है दैट कि ही खाली जगह अ हाउस, कि वह एक घर खरीद ले, वह एक घर खरीद ले, ना कि खरीदता है, ना कि खरीद चुका है, ना कि खरीदा है ना, तो खरीद ले। तो इसमें भी आपका कोई टेंस नहीं आ रहा, मूड आ रहा है, इसमें जो स्पीकर है उसकी इंटेंशन बताई जा रही है, जो बात को कह रहा है उसकी इंटेंशन बताई जा रही है। तो यहाँ भी वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, और बाई की बेस फॉर्म होती है बाय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, दे एडवाइज अस, उन्होंने हमें सलाह दी दैट कि ही डैश वर्क हार्ड, कि वह वर्क हार्ड करे, वर्क हार्ड मतलब कठिन मेहनत करे। यहाँ अस की जगह हिम कर लेना, अस की जगह क्या कर लेना? हिम कर लेना। तो दे एडवाइज हिम, उन्होंने उसे सलाह दी कि वह मेहनत करे। तो अब इस सेंटेंस में ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपको लग रहा होगा यहाँ पर वर्क्स आएगा, लेकिन वर्क्स नहीं आएगा, ना वर्क आएगा, आपका यहाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा वर्क। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें सलाह दी कि वह ऐसा करे, ना कि उसने ऐसा किया, ना कि वो ऐसा करता है, किया होता तो वर्क आता, और करता या होता तो वर्क्स आता, लेकिन ना किया ना करता है, इसीलिए करे। करे के लिए हमें हमेशा वर्क की प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बनाना पड़ेगा, यानी वर्क की बेस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, खाए पिए सोए इस तरीके से सेंटेंस बोलने में आए ना, तो उसे हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं अपने मन से दे देता हूँ, जैसे कि ही ऑर्डर्ड मोहन दैट ही डैश देयर, उसने मोहन को ऑर्डर दिया कि वह वहाँ जाए। अब देखो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, गोज और वेंट। अब आप सोच रहे होंगे ही सिंगुलर है तो गोज आएगा, गोज नहीं आएगा, आपका वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, ही गो देयर। ठीक है, थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, लेकिन सीखने की कोशिश करें। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।